आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। गर्मी के मौसम में अच्छा वातावरण, ज्यादा मात्रा में पानी और कृषि विभाग के मार्गदर्शन के कारण महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के किसानों ने अपने फसल पैटर्न में परिवर्तन किया था। रबी के मौसम में गेहूं, चना, ज्वार और मक्का बोया जाता है, लेकिन इस साल मराठवाड़ा में किसानों ने पहली बार गर्मी में सोयाबीन की खेती की है, जो कि अच्छा वातावरण के कारण फलती फूलती नजर आ रही है। कृषि विभाग ने फसल की स्थिति के आधार पर ग्रीष्मकालीन सोयाबीन के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान भी लगाया है, जिससे किसानों का उत्साह तो बढ़ा ही है, साथ ही खरीफ सीजन में बीज की समस्या से भी राहत मिलेगी, इसकी कमी नहीं होगी। वहीं विभाग ने इस फसल की उचित देखभाल करने की सलाह भी दी है। सोयाबीन खरीफ सीजन के दौरान बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित मुख्य फसल थी। बारिश से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद किसानों ने गर्मी के मौसम में बारिश का लगभग लाभ उठाने का फैसला किया था। इसके अलावा कृषि विभाग ने इसके लिए मार्गदर्शन भी किया था, इसलिए किसानों ने इस सीजन में सोयाबीन पर फोकस किया है। कृषि विभाग खरीफ में भी पर्याप्त सोयाबीन का बीज उपलब्ध कराना चाहता है। वहीं अच्छी जलवायु और रकबे में अपेक्षित वृद्धि के बावजूद किसानों को अब सोयाबीन के बीजों की कमी नहीं होगी, ऐसा विभाग भरोसा दिला रहा है। खरीफ मौसम में सोयाबीन क्षेत्र अधिक होने के बावजूद गर्मी के सोयाबीन के बीज का उपयोग करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाले सोयाबीन के बीज केवल के मौसम में ही उपलब्ध होती है। खरीफ में सोयाबीन के तैयार होते समय ही बारिश हो जाती है, फसल भीग जाने के बाद बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती है। इस साल गर्मी में अच्छे मौसम के कारण सोयाबीन की फसल अच्छे से उगी है, जिसके चलते अब खरीफ में भी नहीं होगी, किसानों को बीज की समस्या भी नहीं अब देखनी पड़ेगी। वहीं महाराष्ट्र के किसानों ने उम्मीद जताई है कि इस बार खरीफ में सोयाबीन का अच्छा उत्पादन मिलेगा। विभाग ने उम्मीद जताई है कि इस बार गर्मी में पर्याप्त बुआई की वजह से सोयाबीन के बीज के लिए इधर उधर जाने की और ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं किसानों का कहना है कि अच्छा उत्पादन से अच्छी कमाई की उम्मीद है। गर्मी के सोयाबीन की कटाई में अभी एक महीना बाकी है, अनुमान है कि इस बार रिकॉर्ड पैदावार होगी। बता दें कि महाराष्ट्र में सोयाबीन प्रमुख फसलों में से एक है, ज्यादातर किसानों की जीविका इसी की खेती पर आधारित है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।